हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज यू कैन सी टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपेसन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यसटरडे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था एक जनरल uh, सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में एंड देन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और मॉलिकुलर फॉर्मूला वो सब डिस्कशन uh, कर लिया था नाउ टुडे वी विल डू द डिस्कशन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओके प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और कल ये भी डिस्कशन किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन हम लोगों की दो तरीके से होती है ठीक है वी डू द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन टू वेज फर्स्ट है जो हम लोगों का लेबोरेटरी प्रिपरेशन ओके फर्स्ट इज आवर लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो हम लोग लैब में प्रिपरेशन करते हैं उसको कहते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ठीक है सेकेंड इज वन वेरी मच इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं और वो है हम लोगों का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन डेट इज कमर्शियल प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रिपेरेशन ओके इंडस्ट्रियल प्रिपेरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का पर्टिकुलर नेम है डेट इज आवर कॉन्टैक्ट प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस सो वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दीज प्रोसेस लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड इन डस्ट्रियल प्रिपरेशन लेट डिस्कशन डू द डिस्कशन वन बाई वन फर्स्ट हम लोग आते हैं अपने लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ओकेटरी प्रिपरेशन ओके लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम लोगों को कर, करना है तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं हम लोग सल्फर की एक्वस सल्फर की एक्वस सल्फर की हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन करवाते हैं ओके एक्वस सल्फर की ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हम लोगों को मिल जाएगा अपना सल्फ्यूरिक एसिड ओके तो चलो इट्स वेरी लाइट ठीक है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर तो पहला मेथड तो हम लोगों का है सल्फर की ऑक्सीडेशन से हम लोगों को करवाना है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑफ सल्फर सल्फर विथ नाइट्रिक एसिड सबसे ईजीएसट मेथड यही है कि सल्फर का हम क्या करवा देंगे ऑक्सीडेशन करवा देंगे विथ नाइट्रिक एसिड ठीक है विथ नाइट्रिक एसिड कौन सी नाइट्रिक कौन सी एसिड लेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ठीक है सल्फर की कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हम लोग क्या करवा देंगे ऑक्सीडेशन तो देखो कैसे करवाते हैं सल्फर लिया हम लोगों ने ठीक है सल्फर लिया और प्लस सिक्स एच एन ओ थ्री हो गई हम लोग के पास नाइट्रिक एसिड हो गई एंड आफ्टर आफ्टर दैन हीट हीट जरूरी है बिना हीट के रिएक्शन नहीं होगी एंड एच टू एस ओ फोर प्लस सिक्स एन ओ टू प्लस ट्वाइस ऑफ एच टू ओ ये हम लोग के रिएक्शन में मिल जाएगी ओके नाइट्रिक एसिड का हम लोगों ने हीट करवाया ठीक है नाइट्रिक एसिड से का हीट करवाया और ये हो किसका रहा है सल्फर का ठीक है सल्फर का नाइट्रिक एसिड हम लोगों ने ऐड किया उसके बाद में हीट किया तो हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया दैट इज आवर सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है बाकी बाई प्रोडक्ट है हमें उससे कोई मतलब नहीं है नाउ कम टू द सेकेंड वन सेकेंड है हम लोगों का फिर से सल्फर का ही ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ऑक्सीडेशन ऑफ यहाँ पे एक्वा सल्फर लेंगे ठीक है ऑक्सीडेशन ऑफ एक्वस सल्फर ऑक्सीडेशन ऑफ एक्वस सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से सल्फर का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करवाना है क्लोरीन के प्रोसेस में भी करवाएंगे तो so, क्लोरीन से रिएक्शन ये हो जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है एक्वस सल्फर यानी कि वाटर में डिजॉल्व किया हुआ है वाटर हो गया हमारे पास प्लस सी एल टू हो गया ठीक है सीएल टू तो अब प्रोडक्ट अपना मिल जाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का हो जाएगा दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ठीक है ब्रोमीन के साथ भी इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड का एसओ टू प्लस वॉटर है एक्वस है टू आईस ऑफ एच टू ओ बैलेंस करेंगे तो यहां पे भी ट्विस्ट ऑफ एच टू आएगा प्लस बी आर टू गिव एच टू एसओस ऑफ एच बी आर ये हमारा दिस इज रिएक्शन सल्फर के साथ रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड का तो हमें H2SO4 मिला फिर सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन करवाया तो भी हमें मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है और एक है सिंपल सा मेथड अगर मेरे पास सल्फर ट्राई है ठीक है तो यहां पे हो जाएगा बाय डिजोल्विंग बाय डिजोल्विंग एसओ थ्री इन 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 वाटर अगर सल्फर ड्राई है हमने उसको वाटर के साथ डिजोल्व कर दिया तो भी हमें मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन है इसकी एसओ थ्री सिंपल एच टू ओ के साथ डिजॉल्व किया और हमें मिल गया एच टू एस ओ फोर लेकिन इस प्रिपरेशन में एक एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटी में ठीक है लार्ज क्वांटिटी में अपने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर नहीं कर सकते बहुत थोड़ी क्वांटिटी में प्रिपेयर होगी डैट्स वाई इस मेथड को यूज़ नहीं किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर But these methods, so note down, but these methods are unable to prepare, unable to prepare the H2SO4 in larger scale. Okay, in larger scale. So, Uh, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना बाकी का डिस्कशन करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की प्रिपरेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ओके तो अभी तक के लिए बस ये लेबरेटरी प्रिपरेशन आप लोग करो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय